अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रांड माल चैनल। एक और कलेक्शन लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वॉचेस हैं। आज बिल्कुल मुख्तलिफ वॉचेस हैं, तो मैं बताता चलूँ जो हमारे पास मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव एक वॉच है। हमारे पास ये जी शॉक है और हमारे पास ये डीजल हो गई, बहुत ही खूबसूरत वॉच है, और ये एयर की वॉच है, और ये कैसियो की बहुत ज़बरदस्त वॉच है। तो ये रॉक्स की है, ये स्टीजन इको ड्राइव है, ये हमारे पास स्टीजन है, और ये क्लाउडियो वेलेंटिनो है, और यहाँ पर ये बेबी जी जी शॉक है। कुछ और कैसियो लाइनेज वेब सेप्टर हैं, टेक्नोस पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। जो फर्स्ट वॉच है हमारे पास, ये पेरिस की बनी हुई वॉच है, तो जापान ने बनाई है पेरिस के लिए। क्लाउडियो वेलेंटिनो इसका नाम है। इसका एक ब्यूटीफुल लुक है, बिल्कुल सिंपल सा, और ये इसकी बैक साइड है जिसमें लिखा हुआ है अंडर लाइसेंस ऑफ क्लाउडियो वेलेंटिनो पेरिस। तो अभी तक ये इसका प्लास्टिक भी नहीं उतरा हुआ है। और फिर हमारे पास ये वॉच है, स्टीजन की डुअल टाइम में है, ये अपने जेन्युइन स्ट्रेप में, जेन्युइन कंडीशन में, और ये आप देख सकते हैं किस तरह, ये पता नहीं इसका क्या फंक्शन है, कुछ डिफरेंट सा, तो ये इस तरह चेंज भी होता है, और इसकी लाइट बहुत खूबसूरत है। ये इसकी बैक साइड है। तो ये हमारे पास स्टिल अभी तक अवेलेबल है, अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें। और फिर हमारे पास रूक्स की वॉच आती है रेडियो वेव कंट्रोल में, ये तो इसमें जो है इस तरह जो पिन होता है उससे इसका टाइम सेट होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसका टाइम सेट है वो मैं तरीके से बता दूंगा। तो ये अल्बा लिखा हुआ है, तो ये जो है सीको की कंपनी है रूक्स। इसकी बैक साइड पर ये अल्बा लिखा हुआ है, और ये इसमें लिखा हुआ है मूवमेंट जर्मनी, तो केस्ट इन चाइना, चाइना में केस्ट हुआ लेकिन घड़ी जर्मनी की है, जिस तरह आईफोन चाइना में असेंबल हो रहे हैं लेकिन वो डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया है, तो ये भी इसी तरह का इसका सीन है। और फिर हमारे पास ये स्टीजन इको ड्राइव में लेडीज़ की बहुत ही खूबसूरत वॉच है, ये और बिल्कुल मुनासिब रेट में। और फिर हमारे पास आती है ये किड्स की वॉच है, पता नहीं इसका बटन है नहीं है, मैंने खैर चेक नहीं की। तो ये बीबी जी जी शॉक है ये। फिर जो हमारे पास ये वॉच है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो इसका एक लुक है ना, वो आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी इसका डुअल टाइम है, ये कोई 2:55 इस तरह के इसके सेकंड्स चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर वो है एनालॉग है, और ये भी वही है लेकिन डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। और ये इसकी बैक साइड आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में डीजल की ओरिजिनल वॉच है। ये पता नहीं क्यों फोकस नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसके यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ इसके बकल में। ये आप इसकी लुक आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में बना हुआ है। और फिर हमारे पास जो वॉच है वो ये एयर की वॉच है, ये आप उसके लाइट वगैरह चेक कर सकते हैं, उसके फंक्शंस चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत डिफरेंट फंक्शंस हैं और ये डुअल टाइम में है।
तो ये भी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह देंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत खूबसूरत घड़ियाँ आती हैं। और कुछ हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें कहते हैं कि वीडियो देखें, तो भाई असल मकसद यूट्यूब का यही है, वीडियो बनाना, वीडियो में हम लोग सब कुछ शो करते हैं, तो इतने में जो इन चीज़ें बुक हो जाती हैं। और ये जो सबसे आज की जो स्पेशल पीस है वो ये हाथ लगी है हमारे जी शॉक, तो इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक एक ब्लैक कलर में भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल और बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल में नहीं आता, ये मॉडल अभी आया हुआ है। और मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपेंसिव है, कोई 40+ है, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वास्त आप लोग देखें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें कि इस तरह की चीज़ें आती हैं और बहुत ही इंशाल्लाह मुनासिब रेट में, मार्केट के लिहाज से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये सस्ती इंशाल्लाह मिलेगी। और ये हमारे पास एक और जी शॉक है, नहीं इसके शायद बटन में थोड़ा इशू है या लाइट ऑटोमेटिक है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अभी इसकी लाइट चली लेकिन अब नहीं चल रही, वो मैं ठीक करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। और फिर जो मुझे हद से ज़्यादा जो ये घड़ी एक पसंद आई वो ये घड़ी है, तो उसकी स्क्रीन पर ये जो डिजिटल आप डिजिट्स देख रहे हैं तो ये इस तरह चल रहे हैं, इसकी स्क्रीन के ऊपर है। और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं आती मार्केट में, बिल्कुल कम आती हैं। ये भी डुअल टाइम में, अब आप देखें ये कैसे चेंज होता है, ये इसके स्क्रीन के ऊपर है, ये इसके अंदर नहीं है, डायल में नहीं है ये चीज़, ये इसके ग्लास पर ये नंबर शो हो रहे हैं, ये जो टाइम है, डेट है, कैलेंडर है, ये सब कुछ इसके ग्लास के ऊपर शो हो रहा है। मेरे ख्याल से शायद ये, ओ वाह इसकी लाइट देखें, ये तो मैंने देखी नहीं पहले, इसकी लाइट है। तो जिस भाई को भी चाहिए हमें व्हाट्सएप करें, क्योंकि चीज़ें जल्दी बुक हो जाती हैं। और ये हो गया गायब, ये आप देख रहे हैं ये हो गया गायब। अब फिर इसको ले आते हैं, ये आ गया, तो ये आपके सामने, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और फिर से कह रहा हूँ, जो कस्टमर वीडियो वगैरह मांगते हैं वो ये सब कुछ आप लोगों के सामने, वीडियो यही है जो आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर वीडियोस के पिक्सल टूट जाते हैं तो क्लियर नहीं आती। तो ये केसियो की वेब सेक्टर वॉच है, ये देख रहे इसकी बैटरी यहाँ पर शोर है हाई, इसकी बैटरी भी फुल है। और ये इसकी लाइट है, और ये हमारे पास केसियो लाइनेज है, ये भी वेब सेक्टर में लेकिन लाइनेज में आती है ये घड़ी। तो इसका भी बैटरी ये देखें हाई, फुल है इसका बैटरी। और ये टफ सोलर भी है, ये घड़ी सोलर से इसकी बैटरी चार्ज होती है। और ये इसकी बैक साइड है, बिल्कुल अपने जेन्युइन कंडीशन में और फुल डायल में। और फिर हमारे पास एक जी शॉक आती है, ये नेक्स्ट। फिर हमारे पास कैसियो एडिफाइस की वॉच है, ये बहुत ही खूबसूरत, और इसमें ये कि टेम्परेचर भी शो होता है। ये वॉच मैंने खुद अपने लिए कोई बहुत पहले मैंने ली थी, कोई 4-5 साल पहले, तो आज फिर मैं इसको मार्केट में देख रहा हूँ, तो ये भी बहुत एक नायाब चीज़ है। ये इसकी लाइट है,
और ये इस वक्त टेम्परेचर शो कर रहा है, इसमें टेम्परेचर भी है और ये डुअल टाइम में K25 की ओरिजिनल वॉच। ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ फंक्शंस हैं, थर्मामीटर, डुअल क्रोनो, लैप मेमोरी, वर्ल्ड टाइम, ऑटो लाइट। तो इसकी लाइट भी जो है ना वो ऑटो है, आप इसका मॉडल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसके कोड्स वगैरह कुछ दिए हुए, रेफरेंस नंबर इसके चैन पर भी, अपने जेन्युइन चैन में। और लास्ट में जो हमारे पास वॉच है वो टेक्नोस की वॉच है, ये जापानी वॉच है, इसमें ऐसे लिखा हुआ टेक्नोस स्विस। तो इसकी कंडीशन सिर्फ ये जो बेजल है ये थोड़ी सी यूज़ है, लेकिन बाकी बिल्कुल डेल इसका ओके है, बाकी सब कुछ इसका ओके है। और ये इसकी बैक साइड है। तो ये था आज का रिव्यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।